आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर 2016। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन बनाएंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, टिपिकल और कस्टम। हम यहाँ पे लेंगे कस्टम ऑप्शन, नेक्स्ट करेंगे। वीएमवेयर वर्कस्टेशन का वर्जन यहाँ पे चूज़ करेंगे 11, नेक्स्ट करेंगे, टिक करेंगे। आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। और यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, अभी यहाँ पे सर्वर 16 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप 12 ही चूज़ कर लेंगे क्योंकि 12 और 16 आपस में कंपेटेबल है। तो यहाँ पे आप 16 लिख दीजिए वर्चुअल मशीन नेम, ठीक है। और यहाँ पे जाके जिस भी ड्राइव में आप के पास स्पेस होता है वहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे आप, न्यू फोल्डर। जैसे यहाँ पे आप बना लीजिए VMware टेस्ट, ऐसे ही बना लीजिए फोल्डर, और इसी के अंदर हम मशीन्स बनाएंगे। तो फर्स्ट मशीन बनाएंगे 01, बूट फ्रॉम BIOS, EFI बूट भी होता है लेकिन BIOS बूट करेंगे। नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे चाहिए हमें 4 प्रोसेसर, 4 लेंगे। रैम हमें चाहिए करीब 4 GB के आसपास। नेटवर्क टाइप हम यहाँ लेंगे NAT टाइप, आप ब्रिज कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। चलो ब्रिज कनेक्शन ले लेते हैं। IU कंट्रोलर यानी कि हार्ड डिस्क किससे कनेक्ट होगी, तो ये LSI लॉजिक सेस, सेस सर्वर के लिए होती है। ब्रिज जो होती है इसके लिए होती है जब आप ईथरनेट यूज़ करते हो, फिजिकल नेटवर्क। जैसे यहाँ पे कोई मशीन बनाई और फिजिकली नेटवर्क पे कहीं और एक्सेस करनी है आपको, तब आप ब्रिज कनेक्शन यूज़ करोगे। नेट ये होगा जितने भी आपके यहाँ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपस में बात करेंगे। हाँ तो जितने भी गेस्ट हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे इससे NAT मोड से। और ये है कि गेस्ट जो है होस्ट के साथ बात करे सिर्फ, ये उसके लिए होस्ट ऑनली। तो गेस्ट और होस्ट के बीच में कम्युनिकेशन होगा सिर्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पे NAT भी ले सकते हैं क्योंकि सारी VM जितनी भी कम्युनिकेट करेंगी, या फिर आप ब्रिज नेटवर्किंग यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कम्युनिकेट करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं। LSI लॉजिक सेस ये सर्वर हार्ड ड्राइव के लिए, SCSI हार्ड ड्राइव सर्वर पे लगती हैं तो सर्वर के लिए SCSI यूज़ होती है। कंप्यूटर के सारे यूज़ होती है ना, कंप्यूटर अगर नॉर्मली आप यूज़ कर रहे हो, देखो ID तो आजकल यूज़ नहीं हो रही, ID ऑब्सलेट हो चुकी है, तो साटा या SCSI दो ही बच गए। तो साटा जो है नॉर्मल आप डेस्कटॉप में यूज़ करोगे, सर्वर के लिए SCSI है या सेस, ठीक है। वर्चुअल डिस्क क्रिएट करोगे यहाँ पे, क्यों VMware वर्चुअल डिस्क में इंस्टॉल करता है विंडोज। यहाँ पे 60 GB ले लेंगे आप, सेम है आपका स्टोरेज है, सिंगल फाइल लेंगे। अगर आप ले लेते हो मल्टीपल फाइल्स तो 2-2 GB की फाइल्स जो है बनेगी और स्प्लिट होती रहेंगी। स्प्लिट में कैसे होंगी यार, अब 60 GB है तो इनिशियल जो है वो जैसे उसने कम ले लिया, 5 या 10 MB की फाइल बनी, फिर आप जैसे डेटा डालते रहोगे ग्रो करती रहेगी हार्ड डिस्क। उसके बाद 2 GB तक ग्रो करेगी, उसके बाद क्या करेगी एक नई हार्ड डिस्क बना लेगी फिर से, फिर 2 GB ग्रो होगी, फिर एक नई हार्ड डिस्क। तो यानी कि स्प्लिटिंग हो रही है। बेनिफिशियल क्या है, मल्टीपल होनी चाहिए सिंगल होनी? अगर आप कैरी करना चाहते हो तो स्प्लिटिंग कर सकते हो, कैरी यानी कि मशीन्स को आप किसी ड्राइव में लेके जा रहे हो, कैरी कर रहे हो और दूसरी जगह जाके आप इंस्टॉल करना चाहते हो, उसके लिए बेटर है, उसके लिए मल्टीपल है। अगर आप इसी पे रखना चाहते हो, कहीं कैरी नहीं कर रहे हो, तो लार्ज सिंगल फाइल बनेगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ये सारे ऑप्शन आ गए, यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ पे सर्वर 16 की मैं CD लगा दूंगा, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ISO फाइल चूज़ करने के लिए पूछ रहा है, ब्राउज करेंगे और यहाँ पे अभी यहाँ पे मेरे पास कॉपी नहीं है ये फाइल्स, तो मैं एक काम करता हूँ इसे कॉपी कर लेता हूँ अपने सिस्टम से सर्वर पे। तो मेरे पास जो है
एफ ड्राइव के अंदर डाउनलोड्स के अंदर पड़ी है, ये रही सर्वर 16, कॉपी कर लेंगे वैसे, डी ड्राइव में यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट ले नहीं रहा है ये, डायरेक्ट नहीं ले रहा है, इसको यहाँ पे पहले करना पड़ेगा, ये सर्वर 16 की यहाँ पे मैंने ISO फाइल्स माउंट कर दी है, अब मैं पावर ऑन कर रहा हूँ इसको, इंटेल VT ये डिसेबल है, तो सर्वर में आपको इसे इनेबल करना होगा, तब जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। VT हम लोगों ने ऑन कर दिया, इंटेल VT, तो अभी ये देखो इंस्टॉल होने लगा है, तो BIOS में जाके इंटेल VT ऑप्शन में जाके उसे इनेबल कर सकते हो। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जैसे हाइपर वी यूज़ कर रहे हो या VMware यूज़ कर रहे हो, तब इसका सपोर्ट जो है इसको मिल जाता है। हाँ, उसमें भी डिसेबल होगी, बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहती है, उसे इनेबल करना पड़ता है। नहीं, लेकिन सर ये सर्वर को इंस्टॉलेशन समय ही इनेबल करना पड़ता है। मैंने विंडोज 8 10 काली लिनक्स सारे उबंटू सारे इंस्टॉल किए VMware में, कभी ये ऑन नहीं करना पड़ा था मुझे, तो सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। वर्चुअलाइजेशन के लिए जरूरी है ना सर, मैंने मतलब विंडोज भी किया है, XP भी किया था, काली लिनक्स भी इंस्टॉल किया था, मैंने 7 किया था, नहीं ऑन करना पड़ा, ऑन नहीं, सर्वर जब 12 किया तभी ऑन करना पड़ा। इस देखो होता ना सर्वर जो है इसके अंदर हाइपर वी भी है, तो हाइपर वी का जो सपोर्ट है वो तभी आ पाएगा इसके अंदर जब आप VT ऑन करोगे, तो वो तो करना जरूरी है इसमें सर्वर इंस्टॉलेशन में। ये सर्वर इंस्टॉलेशन आप कर रहे हो सर्वर 16 का, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज़ करोगे, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, और टाइम एंड डेट करेंसी आप इंडिया वाली चूज़ करोगे, तो उसमें आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, इंग्लिश इंडिया, ये रहा इंडिया, कीबोर्ड वही रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे रिपेयर का ऑप्शन आता है, ये रिपेयर का ऑप्शन तब है जब आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिक वैसे तो रिपेयर मोड में चला जाता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो इसे यहाँ से भी रिपेयर कर सकते हो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे अगर फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है आपको, यहाँ पे आपको एक्टिवेशन की डालनी पड़ती है आपको, तो अगर आपके पास नहीं है इस समय की तो आप बाद में भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, और फिर आपका ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा इसके थ्रू। इसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सर्वर 16 स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, डेटा सेंटर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको लेना है सर्वर 2016 डेटा सेंटर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। देखो ये होता है GUI के लिए, अगर आप GUI मोड यूज़ करना चाहते हो तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस लोगे, अगर आप कोर वर्जन यूज़ करना चाहते हो तो नॉर्मल मोड लोगे। नॉर्मल जो है इसमें लिखा नहीं है कोर, लेकिन ये कोर वाला वर्जन है, नीचे आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है डज नॉट इंक्लूड ए GUI, यानी कि ये कोर इंक्लूड है इसके अंदर, GUI नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो फुल फंक्शनल डेटा सेंटर लेने के लिए आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस लोगे, इसमें कोर का भी सपोर्ट है साथ में GUI मोड भी है, दोनों चीज़ें।
इसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री करना है, एक्सेप्ट करना, नेक्स्ट करना। अपग्रेडेशन तब होती है जब पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, जैसे कि सर्वर 12 डला है और अब 16 में आपको अपग्रेड करना है, ये उसके लिए। कस्टम ऑप्शन होता है जब आप फ्रेश या न्यू इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो हम कस्टम ऑप्शन में जाएंगे और फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसके लिए देखो यहाँ पे जो हमने ड्राइव लगाई है वो 60 GB की अनएलोकेटेड स्पेस शो कर रहा है, तो इसके पार्टीशन बनाना ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे आप न्यू पार्टीशन लेंगे, यहाँ पे पार्टीशन का साइज सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। अब इस पार्टीशन को फॉर्मेट करेंगे आप, यहाँ से आप जितने भी पार्टीशन बनाते हो प्राइमरी ही बनते हैं, एक्सटेंडेड नहीं बनते यहाँ से। प्राइमरी चार हो सकते हैं, मैक्सिमम चार हो सकते हैं प्राइमरी। अक्सर लोग तीन ही बनाते हैं सर। तीन इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक्सटेंडेड भी बनाते हैं वो, तो तीन प्राइमरी हो गए, एक एक्सटेंडेड हो गया। अगर आपने चारों ही प्राइमरी ले लिए फिर आप एक्सटेंडेड नहीं बना सकते। पार्टीशन टू सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम विंडोज लोड करेंगे। ये वाला जो रिजर्व पार्टीशन है 500 MB का यूज़ होता है सिस्टम फाइल्स के लिए, तो अगर आपका सिस्टम जो है करप्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक रिपोर्ट मोड में जाता है, तो यहाँ से सिस्टम फाइल्स जो है ले सकते हो। तो हम पार्टीशन टू सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप इंस्टॉल करोगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब ये फाइल्स कॉपी करेगा और इसको रेडी करेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये, तब तक हम यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और जब इंस्टॉल फिनिश हो जाएगा फिर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखो सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉलेशन जो है वो फिनिश हो गई, अभी रिस्टार्ट हुआ है। ये देखो यहाँ आ गया कस्टमाइज सेटिंग्स, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। अब यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल दो, जो भी आप डालना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना होगा, ठीक है। ये जो पासवर्ड आप रख रहे हो मैच कराना ज़रूरी है, फिनिश करेंगे। जैसे सर्वर 12 इंस्टॉल करते हो वैसे ही है ये, सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये देखो ये इसका देखो लॉक स्क्रीन आ गई, जैसे विंडोज 10 में आती है इस तरह से इसमें आती है। तो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट आप प्रेस करोगे तो ये आ जाएगी। इसमें डेस्कटॉप एक्सपीरियंस दिया रहता है, ग्राफिकल फैसिलिटी 12 के अंदर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ 12 के अंदर इसमें पहले से ही दिया है। ये देखो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ये देखो इस तरह का डेस्कटॉप आ गया आपका, जैसे विंडो 10 में आता है इसी तरह से आता है। अब देखो रिसाइकिल भी नज़र आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे आपको स्टार्ट मेनू नज़र आ रही है, ठीक है। ये कुछ आपके सर्वर मैनेजर के एप्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे फाइल एक्सप्लोरर है, इवेंट व्यूअर है, रिमोट डेस्कटॉप है, ठीक है, पावर शेल है, ये सारे आ रहे हैं आपके पास। इसकी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो पर्सनलाइज में जाके, इसमें पर्सनलाइज ऑप्शन होता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डेस्कटॉप पे आइकन्स वगैरह लाने पड़ते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पे आप जाओगे थीम्स ऑप्शन में, डेस्कटॉप आइकन,
बस यहाँ पे आप इसको टिक कर दोगे जो जो आपको लेना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप साउंड इनेबल करना चाहते हैं, इसका देखो अभी साउंड नहीं चल रहा है इसमें, तो साउंड इनेबल कर सकते हो यहाँ से आप। एडवांस साउंड सेटिंग है ऑडियो सर्विस, यस कर दीजिए। ऑडियो सर्विस इनेबल हो जाएगी इसकी और ये साउंड का आइकन इनेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टार्ट की सेटिंग है, स्टार्ट में ये देखो शो मोर टाइल्स, इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। कि स्टार्ट मेनू फुल अगर चाहिए आपको तो उसके लिए ये देखो ये फुल मेनू है। ठीक है, ये टैबलेट वगैरह के लिए यूज़ होती है। टास्क बार के वही ऑप्शन है, लॉक द टास्क बार, ऑन ऑफ करना। ठीक है, डेस्कटॉप ये टास्क बार हाइड शो कराने के लिए, टैबलेट मोड ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे टैबलेट मोड होता है कि भाई आप लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो। नहीं सर, ये टैबलेट मोड या नीचे में आ जाएगा। नहीं, जैसे इसको आप मोड देंगे ना तो ऑटोमेटिकली टैबलेट मोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑन कर दिया मैंने, अभी कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा। जो हिडन बार है ना नीचे में सोल्जर आइटम आता है, वहाँ पर टैबलेट मोड आ जाता है बॉक्स में। ये देखो यहाँ पे कॉर्नर पर क्लिक कीजिए, जहाँ पे यहाँ पे कह रहे हो ये टैबलेट मोड होता है, ये अब ऑन हुआ है। तो वहाँ से जब ऑन करोगे तब यहाँ ऑन हो जाएगा ये। जब आपके काफ़ी सारे टैब खुले रहेंगे ना यहाँ, हाँ सब बन जाते छोटे छोटे। हाँ ये देखो इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन आ गया, ये टैबलेट मोड में आता है। जब टैबलेट मोड ऑन होता है ना तभी आते हैं सारी चीज़ें। ऑफ कर दोगे तो नहीं आएगा, देखो ऑफ कर दोगे तो नहीं आएगा। देखो ये थोड़ा सा आपके जो आइकन्स बड़े हो गए थे तो टैबलेट मोड होता है। ये सब पर्सनलाइज चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। विंडो 10 के जो जो चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ें। इसमें देखो कंट्रोल पैनल दिया गया है। ठीक है, ये ग्रुपिंग में होती है, ये यहाँ से आप जो है कैटेगरीज में जाके जो है स्मॉल आइकन करोगे तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके। ये सिस्टम है, सिस्टम प्रॉपर्टी यहाँ से दिख जाएगी आपको। जो जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिया है वो सारी शो करेगा आपको। कनेक्ट टू इंटरनेट टू एक्टिवेट विंडोज़, विंडोज़ एक्टिवेशन के लिए आपको इंटरनेट चाहिए तो यहाँ पे आप लाइसेंस की जो है डाल सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो इसको। ये देखो एक्टिवेट विंडोज़ आ रहा है ना, यहाँ से आप जाके एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पे चेंज प्रोजेक्ट की आएगा ऑप्शन, यहाँ पे जाके अपनी नई कीज़ डाल सकते हो। सर पिछले कमरे में काम कर रहा था, उसे यहाँ की मिलता था, उस सारे डाल देते थे सब मिल जाता था। मल्टी एक्टिवेशन की होती है वो, एक होती है रिटेल वाली, वो एक पे एक ही डलती है। हाँ वो मल्टी एक्टिवेशन होती है। विंडो डिफेंडर इसके अंदर होता है एंटीवायरस के लिए, तो यहाँ पे एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं है, आप विंडोज डिफेंडर यूज कर सकते। तो ये आपके सारे वायरस जो है वो करेगा, क्लाउड बेस्ड प्रोटेक्शन है इसके अंदर। ये अपडेटेड वर्जन है डिफेंडर का, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, इसमें एडवांस फैसिलिटी है। ठीक है ना, तो इसमें देखो एंटी मालवेयर है, एंटीवायरस डिफिनेशन है, एंटी स्पाईवेयर, सब का कॉम्बिनेशन है इसमें। एंटी मालवेयर है, एंटीवायरस है, एंटी स्पाईवेयर,
नेटवर्क प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर, नेटवर्क इंस्पेक्शन भी है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये इनहेंस वर्जन है विंडोज़ डिफेंडर का। तो अगर आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो, मतलब इसमें अगर आप एंटीवायरस ना भी डालो तो भी चलेगा, ये सब प्रोटेक्शन दे रखी है इसमें। रिकवरी के लिए देखो यहाँ पे आप जो है USB ड्राइव बना सकते हो इसके लिए। तो ये पूरा का पूरा जो है ना बैकअप इसके अंदर रख लेगा, रिकवरी ड्राइव बन जाएगी एक, ठीक है। तो ये इसके लिए दिया गया है आपका, ये विंडोज़ अपडेट है इसमें, विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स इसमें देखो, जैसे विंडो 10 में होती है वही से देखो, एक्टिव आवर्स, स्टार्ट टाइम एंड, ये सेट कर सकते हो कि विंडोज़ जो आपका ये अपडेट है वो कब से कब तक चले, ये सेटिंग होती है। तो ये सेटिंग जो है ये होती है, इसमें ऑफ नहीं कर सकते आप, इसमें आप बस सेट कर सकते हो इतने टाइम से इतने टाइम के बीच ये डिटेक्ट करेगा। ये रीस्टार्ट सेटिंग है, अपडेट आ गई तो रीस्टार्ट अपने आप हो या ना हो तो उसके लिए आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये इसकी सेटिंग है, ये कस्टम ऑप्शन में जाके आपके यहाँ से सीधा सेटिंग्स खुल जाएगी आपकी। ये देखो ये जनरल ऑप्शन है आपके, 10 वाले सारे फीचर है, प्रॉक्सी, VPN, डायलअप, ईथरनेट, ये देखो, ठीक है, वही वाले सारे फीचर है जो विंडो 10 में हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखो एडवांस ऑप्शन में रखा गिव मी अपडेट्स फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, ये देखो डेफर फीचर्स अपडेट। यहाँ पे क्या है कि कुछ फीचर्स आप जो है नहीं लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके अंदर वही आपका देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 दिया गया है, क्लोज ऑल टैब, ये देखो ये अगर इस पर कर दोगे तो फीचर अपडेट नहीं आएंगे इसको, क्योंकि क्या होता है इसमें टाइम टू टाइम अपडेट आता है फीचर, और बार बार ये चेंज कर देता है विंडोज़ के कुछ ऑप्शंस को, तो आप बार बार इरीटेट होते हैं उससे, तो ये डेफर कर सकते हो तो फिर वो अपडेट नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो 1803 आया था ना अपडेट हमारा, उसके बाद में जो नए अपडेट्स आए हैं तो उनको आप नहीं लेना चाहते हो तो ये टिक कर सकते हो। जो ये डिफर कर देंगे एप्लीकेशन में, हाँ जो फीचर्स हैं फीचर पैक वाले अपडेट नहीं आएंगे आपके। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे होती है। रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग वही है आपकी, इसमें कोई चेंज नहीं है, रिमोट अलाउ कर सकते हो आप यहाँ से, वही बिल्कुल 12 में जो दिया है वही सारी चीज़ें। रिमोट डेस्कटॉप जो होता है कनेक्शन होता है, हाँ बिना पासवर्ड के एक्सेस नहीं होगा। इसमें देखो एक नया फीचर आया टास्क व्यू वाला, ये वाला, इसके थ्रू आप नए डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो एक दो तीन, यहाँ क्लिक करते रहोगे उतने डेस्कटॉप बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ओपन करूँगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये, यहाँ पे ये खुला हुआ है, ठीक है। कुछ काम कर रहा हूँ मैं सी ड्राइव में, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे टास्क व्यू में जाऊँगा फिर से, अभी डेस्कटॉप 4 पे यहाँ पे देखो चल रहा है। अब ये देखो नया डेस्कटॉप ले लिया मैंने यहाँ पे, इस पर कुछ और काम करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे मान के चलते हैं ये खुला हुआ है रिसाइकिल बिन या कुछ कुछ और खुला हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेते हैं एक, चलो ये देखो, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आ गए, ठीक है। इधर काम कर रहे थे फिर आपने इस डेस्कटॉप पे कुछ और खोला हुआ है, ये देखो यहाँ कोई और वेबसाइट्स खोल रखी है आपने, इधर दूसरी वेबसाइट्स खोल रखी है, ये देखो
जैसे ऑल टैब यूज करते थे। नहीं ये इसके लिए ना देखो, जैसे यहाँ पे आप बैठे हैं, कुछ और वेबसाइट खोली हुई है आपने, ठीक है, ठीक है, अब आप आपका बॉस आ गया अचानक से, आपने कहा टास्क व्यू में जाओ दूसरे डेस्कटॉप, और यहाँ पे खुला हुआ है दूसरा कुछ और, इधर डाउनलोड लगा रखा है दूसरे वाले पे, इधर कुछ और चल रहा है आपका, ठीक है, या फिर एक पे गेम चल रहे हैं आपके धमाकेदार और इधर कुछ और चल रहा है। हाँ तो जैसे ही आएगा एकदम स्विच ओवर करना है आपको बिना किसी उसके, ठीक है, देरी के काम वाला, ये देखो हाँ इससे भी चेंज कर सकते हो, इससे नहीं, इससे चेंज, इससे चेंज नहीं होगा, इससे टास्क व्यू में जाना पड़ेगा, ना 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 टास्क व्यू में जाना पड़ेगा, वो तो उसी के लिए टैब दिखा देगा ना उस पर जितने प्रोग्राम है, ये टास्क व्यू में जाके होगा ना, अब इस डेस्कटॉप पे आ गए आपको यहाँ खाली है आपका, क्या विंडो प्लस टैब, हाँ इससे आएगा, इससे आ रहा है डेस्कटॉप, स्विच नहीं कर पा रहे हम, स्विच नहीं कर ले तो क्लिक करना पड़ेगा, रुको 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 मैं बताता हूँ, विंडो टैब दबाया, फिर यहाँ पे आपने एरो की से मूव करो, एरो की से मूव करोगे, तो इस सेशन में इतना ही करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।